नमस्कार दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री उर्फ दीदी ओ दीदी, जिनको आज पूरा देश इसी नाम से जानता है, ये नाम इनका ऐसे ही नहीं पड़ा है। इन्होंने अपनी बंगाल की जनता के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखी है। दीदी की पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। इस कहानी को आपको पूरा जानना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी सभी लोग दीदी के बारे में पूरी जानकारी पा पाएँ। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राजनैतिक दल त्रिमूर्ति कांग्रेस की प्रमुख हैं। उनके समर्थक उनको दीदी यानी कि बड़ी बहन के नाम से संबोधित करते हैं। ममता बनर्जी जी के पिता का नाम प्रोमिलेशर बनर्जी तथा माता का नाम गायत्री बनर्जी है। ममता बनर्जी जी ने शादी नहीं करी क्योंकि बचपन से ही उनके सर पर जिम्मेदारी आ गई थी भाई बहनों और बड़े होकर के बंगाल को संभालने में। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया, इस कारण से ममता बनर्जी जी ने शादी नहीं करी। उनको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है। उन्होंने अपने जीवन में 300 पेंटिंग भी बेची हैं। ममता दीदी को बचपन से ही राजनीतिक का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत ही जब छोटी थी कि पिता की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि गरीबी में संघर्ष करते हुए उन्होंने दूध बेचने का भी काम किया, जिससे उन्होंने अपनी माँ के साथ में जुड़ करके अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल किया। 5 जनवरी 1955 में जन्म लेने वाली ममता दीदी 2 बार रेल मंत्री भी रह चुकी हैं। उनको सर्वप्रथम रेल मंत्री महिला होने का गौरव प्राप्त है। 2006 में नगर निगम चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी में और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी केंद्र सरकार में कोयला मानव, संसाधन विकास राज्य मंत्री और युवा मानव खेल विकास के साथ ही महिला व बाल विकास की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। 2011 में वह TMC कांग्रेस गठबंधन ने 294 सीटों में से 227 पर जीत हासिल की, जिससे राज्य में 34 वर्षीय वाम मोर्चा शासन शांत हो गया। 2012 में ममता बनर्जी जी ने UPA से समर्थन वापस ले लिया। इसी साथ ही 2016 में वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि TMC ने अकेले ही वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ 211 सीटों से जीत हासिल की और 2021 में देश में सबसे शक्तिशाली पार्टी BJP को हराकर कि वो राजनीति की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं। सत्ता खाली झूठ बोलकर हासिल नहीं की जाती है, इसके लिए काम भी करना पड़ता है, ये उन्होंने पूरे देश को बता दिया। ममता बनर्जी जी की ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे ये भी कमेंट में बताइए, जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उनका पूरा जीवन परिचय आपको बताऊंगा। धन्यवाद।